तीसवा सुल्ताना जलांस कप हॉकी जो मलेशिया में खेला जा रहा है, और फाइनल मुकाबला जापान VS पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। तीसवां सुल्तान अजलांस कप हॉकी टूर्नामेंट्स जो जापान अब तक एक भी नहीं जीत पाया, जो कि पाकिस्तान 3 बार, भारत, इंडिया 5 बार और ऑस्ट्रेलिया 10 बार और कोरिया 3 बार। ये जापान रोटेशन के साथ खेलती हुई, और जो पाकिस्तान हाफ कोर्ट में सेंटर लाइन के अंदर अभी बॉल लेने की कोशिश कर रही है, जो जापान रोटेशन के साथ खेल रही है, जो फर्स्ट क्वार्टर का मैच स्टार्ट होता हुआ, जो जापान रोटेशन के साथ धीमे धीमे आगे के लिए गोल करने के लिए बढ़ रहा है, और शानदार ये काउंटर अटैक जापान का लेफ्ट फ्लैंक से, और ये 3D की 1-2 और ये शानदार काउंटर अटैक, ये शानदार गोल देखने को मिला है जापान की ओर से, जो तानका सिरना ने 92वें मिनट में शानदार फील्ड गोल करके तानका ने जापान को 1-0 से फाइनल सुल्ताना जलांस कप में बढ़त दिलाई, जो तानका ने शानदार गोल, अब देख सकते स्किल्स, और तानका ने 92वें मिनट में शानदार फील्ड गोल किया। और बता दें एशिया की सबसे स्पीड टीम जापान है, जो किसी के साथ कभी भी उल्टा फेर कर सकती है, जो जापान एक बार फिर से काउंटर अटैक पर, पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन राइट फ्लैंक से क्रॉस, और ये शानदार बचाव पाकिस्तान के गोलकीपर की ओर से, देख सकते निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन चांस था, ये पाकिस्तान के डिफेंडर का शानदार बचाव। और इस समय जापान काउंटर अटैक पे शानदार फिन से एक बार फिर डी के अंदर एंट्री, और ये फर्स्ट टाइम ट्राई जापान की ओर से, आप देख सकते हो जापान जो लगातार काउंटर अटैक करती हुई पाकिस्तान के ऊपर, जो एक बहुत बेहतरीन और एक पेनाल्टी कॉर्नर मिलता हुआ पाकिस्तान को, और ये शानदार बचाव, और एक बार फिर पाकिस्तान के स्किल के साथ बहुत बेहतरीन स्किल, और ये शानदार गोल पाकिस्तान की ओर से, और स्कोर मैच में थर्ड क्वार्टर में बराबरी कर ली है पाकिस्तान, देख सकते बहुत बेहतरीन स्किल के साथ एक शानदार गोल। और इसी के साथ हॉकी पाकिस्तानी कोच अल्टोमेस बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, और पाकिस्तान के दर्शक भी, और निश्चित तौर पे 1-1 की बराबरी के बाद अब जापान 1 और पाकिस्तान 1, बहुत बेहतरीन गोल देखने को मिला अहमद अजराद द्वारा 34वें मिनट में, शानदार फील्ड गोल, देख सकते बहुत स्किलफुल प्लेयर, और अहमद आजाद द्वारा 34वें मिनट में शानदार फील्ड गोल स्लैप शॉट द्वारा, देख सकते हो, और ये पास, और ये बहुत बेहतरीन गोल पाकिस्तान की ओर से, जो पाकिस्तान इस मैच में 1-1 से बराबरी कर ली है जापान से, जो जापान का 92वें मिनट में और पाकिस्तान का 34वें मिनट में शानदार फील्ड गोल देखने को मिला, और इसी के साथ 1-1 की स्कोर की बराबरी हो चुकी है। और पाकिस्तानी कोच अल्टोमेस जो निश्चित तौर पर बहुत खुश, और एक बार फिर पाकिस्तान क्रॉस राइट फ्लाइंग से, और पाकिस्तान का लगातार काउंटर अटैक, और एक बार फिर पाकिस्तान के पास बाला, और देख सकते हो, और ये शानदार बचाव गोलकीपर द्वारा, और फिर रिमाउंड पे गोल कर पाकिस्तान इस मैच में बहुत एक गोल की बढ़त बना रखी है, जो निश्चित तौर पे एक टाइम पाकिस्तान पिछड़ रही थी, और शानदार गोल के बादलों 37वें मिनट में फील्ड गोल अब्दुल्ला रहन जो बहुत बेहतरीन गोल करके 37वें मिनट में 2-1 का स्कोर हो गया है, देख सकते हैं रिमाउंड पे शानदार गोल, और ये बहुत बेहतरीन गोल अब्दुल्ला रहन द्वारा, और इसी के साथ 2-1 का स्कोर होता हुआ, आप देख सकते हैं निश्चित तौर पे बहुत बेहतरीन रिमाउंड पे अब्दुल्ला रहन द्वारा 37वें मिनट में फील्ड गोल कर अब पाकिस्तान 2 और जापान 1, जो शानदार गोल कर इस मैच में पकड़ बना रखी है पाकिस्तान। थर्ड क्वार्टर का मैच चलता हुआ, एक बेहतरीन ओवर 8 पास, फर्स्ट टाइम ट्राई और बहुत बेहतरीन बचाव, अब बता दे पाकिस्तान का, देख सकते निश्चित तौर पे
हौसला बहुत ऊपर और फर्स्ट टाइम ट्राई। और इस समय फोर्थ क्वार्टर का मैच स्टार्ट और एक गोल से पिछड़ रहा है जापान। अब देखो और डी सर्कल की एंट्री और ये शानदार गोल और इसी के साथ 2-2 का स्कोर बराबर हुए। जापान की ओर से माटो सुमिटा ने 47वें मिनट में शानदार फील्ड गोल कर जो जापान की खेमे में बहुत खुशियाँ ला दिए। जो शानदार गोल माटो सुमिटो द्वारा काजो मूसा जो 47वें मिनट में शानदार गोल देख सकते हैं। राइट फ्लैंक से बहुत बेहतरीन क्रॉस और बहुत बेहतरीन टच भी काजो मूसा द्वारा और 47वें मिनट में शानदार फील्ड गोल। आप देख सकते हैं निश्चित तौर पे ये बहुत बेहतरीन टच काजो मूसा द्वारा और इसी के साथ स्कोर 2-2 का बराबर होता हुआ और जापानी कोच निश्चित तौर पे खुश। और अभी फोर्थ क्वार्टर का मैच चलता हुआ और एक बार फिर काउंटर अटैक पे जापान और बहुत बेहतरीन क्रॉस। आप देख सकते हो आक्रामक रवैया अपनाती हुई जापान के टीम्स और ये बहुत बेहतरीन पाकिस्तान की ओर से गोलकीपर का बचाव, बहुत बेहतरीन बचाव। आप देख सकते हो बहुत बेहतरीन बचाव पाकिस्तान के गोलकीपर द्वारा और ये काउंटर अटैक पाकिस्तान की ओर से हो सकता है। बहुत बेहतरीन टैप कर बाल को आगे लेकर तेज़ी से पाकिस्तानी खिलाड़ी आगे सर्कल डी के अंदर एंट्री है। बहुत खतरा हो सकता है जापान के लिए पर बहुत बेहतरीन स्पीड फुल प्लेयर स्किल्स बेस्ट और जापान के गोलकीपर की बहुत सूझबूझ के साथ बचाव करते हुए और इसी के साथ जापान 2 और पाकिस्तान 2 और अभी भी मैच 2-2 पे है। अगर 2-2 पे इसी पे मैच बंद होता तो पेनाल्टी शूट आउट में चला जाएगा और जापान फिर से काउंटर अटैक के अंदर डी के अंदर बहुत बेहतरीन चांस था पर देख सकते हो निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन बचाव जो अब पेनाल्टी 2-2 के स्कोर बराबर होने पर पेनाल्टी शूट आउट होगा। जो पेनाल्टी शूट आउट फर्स्ट अटेम्प्ट जापान की ओर से माटो सुमिटा काजो मूसा लेंगे जो 8 सेकंड का होता है और काजो मूसा और पाकिस्तान गोलकीपर और शानदार गोल काजो मूसा द्वारा बहुत बेहतरीन स्किल्स काजो मूसा द्वारा जो राइट लेफ्ट ड्रिबल करके और शानदार गोल देखने को मिला काजो मूसा द्वारा से। अब पाकिस्तान की ओर से बट अहमद देखते निश्चित तौर पे जापानी गोलकीपर और ये बट अहमद ये देख सकते हो बट अहमद द्वारा जो गोल करने में अभी पर रहते हुए निश्चित तौर पे गोल करने में विफल रहते हुए जापान काउंटर अटैक और ये बेहतरीन गोल जापान की ओर से एक बेहतरीन गोल्स देख सकते हो। बहुत स्किल बेहतरीन का परिचय देते हुए तान का श्रेन। अब ये पाकिस्तान की ओर से और ये शानदार बचाव जापानी गोलकीपर द्वारा दो। इस समय पाकिस्तान जो कि पेनाल्टी शूट आउट में 2 गोलों से पिछड़ रहा है। आप देख सकते हो बहुत बेहतरीन बचाव जापानी गोलकीपर द्वारा और ये पाकिस्तानी गोलकीपर और ये बहुत बेहतरीन गोल और इसी के साथ जापान ने 3 गोलों पर बढ़ा ले ली। तान का श्रैन जो देख सकते हो बहुत बेहतरीन गोल तान का श्रैन द्वारा और ये पाकिस्तान की ओर से लिक्विड एसरेंस जो कैप्टन जो गोल आता हुआ बट अहमद द्वारा जो शानदार गोल बट अहमद का
आप देख सकते हो, बहुत बेहतरीन स्किलफुल प्लेयर बट अहमद, जो पाकिस्तानी कैप्टन भी हैं, ये शानदार गोल बट अहमद द्वारा। अब जापान की ओर से ओकारामया और ये शानदार गोल, और इसी के साथ जापान ने सुल्ताना जलंसा कप 30वां टूर्नामेंट अपने नाम किया, जो शानदार इस टूर्नामेंट में अपना प्रदर्शन दिखाकर, जापान ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाकर इस बार 30वां सुल्ताना जलंसा कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। जो देख सकते हो, जो स्कोर 2-2 के बराबरी था, फिर पेनाल्टी शूट आउट में 4-1 से जापान ने अपने नाम कर लिया, जो बहुत बेहतरीन जापान की ओर से प्रदर्शन।